अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु के हालात वाकयात समाप्त फरमाएंगे, जिनको इसी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं, जो अपने वक्त के अजीम फातेह थे, जिन्होंने रूमियों को नाकों चने चबवाए, अपने से 6 गुना रूमी फौज का मुकाबला किया। एक मौके पर रूमी लश्कर की तादाद 2.5 लाख थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 40,000 थे। इस जंग में मुसलमानों के सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह थे, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे ये 10 असहाब जन्नती हैं। चुनाचे उन्हें अशराए मुबशरा का खिताब मिला, यानी वो 10 जिन्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई। इनके नाम ये हैं: सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली बिन अबी तालिब, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर बिन अवाम, सैयदना साद बिन अबी वक्कास, सैयदना सईद बिन जैद और सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु अन्हुम अजमाईन। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु को कई खसूसियात इसके अलावा भी हासिल है। इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीनुल उम्मत का खिताब मिला, यानी उम्मत के अमीन, और इसका मतलब ये है कि वो दीन के इल्म और दीन के अहकामात पर अमल करने के सिलसिले में बहुत बड़ा दर्जा रखते थे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उन्होंने किसी बहुत बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी से तालीम पाई थी या किसी बहुत बड़े अमीर घराने में पैदा हुए थे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस जमाने में इस्लामी यूनिवर्सिटियां कहाँ थी, फनून सिपाहगरी की तरबियत देने के लिए बाकायदा इदारे कहाँ थे। वहां तो बस एक ही यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी का नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हजरात जो कुछ भी सीखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, फिर सहाबा सहाबा से सीखते थे। इन हजरात ने जितनी कामयाबियां हासिल की वो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाने की बुनियाद पर की। हकीकत यही है कि जब कोई अल्लाह के अहकामात पर अमल करने लग जाता है तो फिर अल्लाह उसे दानाई का ऐसा नूर अता करता है कि उसके सभी काम आसान होते चले जाते हैं। अब जरा गौर करें, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरा अरब जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था। वो लोग बात बात पर एक दूसरे का खून बहाने पर तुल जाते थे और जब उनमें लड़ाई छिड़ती थी तो फिर जल्द खत्म नहीं होती थी, बाज औकात तो साल साल जारी रहती। जुआ खेलते, शराब पीते, सबसे बड़ा ऐब उनमें ये था कि अपनी बेटियों को चुनाचे उसे जंगल में ले जाता और जिंदा दफन कर देता। इससे बड़ा बल्कि सबसे बड़ा ऐब उनमें ये था कि बुतों को पूछते थे, बुतों को अपना कारसाज समझते थे, उन पर चढ़ावे चढ़ाते थे, उनके नामों की मन्नतें मानते थे, उनको अपना इलाह ख्याल करते थे। इन हालात में वहां यूनिवर्सिटियां कहां हो सकती थी, वहां तो मदरसे भी नहीं थे, बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने वहां का नक्शा ही बदल कर रख दिया, काया पलट दी। साहबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम में से हर किस्म के उलूम व फनून के ऐसे माहिर हुए कि दुनिया आज तक उनका लोहा मानती है। मसलन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की सिपा सालारी को ले लें, उन्होंने 60,000 के लश्कर का मुकाबला सिर्फ 60 जांबाजों से किया और 60,000 ने शिकस्त खाई। इससे बढ़कर मिसाल क्या हो सकती है। उमर रजी अल्लाह अन्हो की खिलाफत के जमाने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल चुकी थी और इस तरह उनका हुक्म चलता था कि कोई चू भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब ये मुसलमान नहीं थे तो अपने बाप के ऊंट चराया करते थे। ये सब इस्लाम की बरकत थी कि वो इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत के खलीफा बने। यही वो बरकत थी जिसने अबू उबैदा बिन जर्राह को अमीनुल उम्मत बना दिया।
और इससे भी बढ़कर एक अजीम सिपा सालार बने जिन्होंने रोमियों को शिकस्त पर शिकस्त दी। इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों यानी मक्का के कुरैश मदीने के यहूदियों और ईसाइयों का जोर टूट गया और पहली इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो दूर दराज इलाकों में रहने वाले अरब ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। इन ग्रोहों में एक ग्रोह यमन के इलाके नजरान का आया। ये लोग ईसाई थे। इन लोगों ने इस्लाम की सच्चाई जानने के लिए कई दिन तक बहस की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उनके सवालात के जवाबात दिए, लेकिन वो मुसलमान न हुए। ताहम उन्होंने वादा किया कि वो जिजिया अदा करते रहेंगे। जिजिया एक किस्म का टैक्स कह लें जो इस्लामी हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने ये दरख्वास्त भी की कि उनके साथ किसी ऐसे ईमानदार आदमी को भेज दिया जाए जो उनसे जिजिया वसूल करने के साथ उन्हें दीन इस्लाम की बातें बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे शख्स को भेजूंगा जो इस उम्मत का अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे बड़े सहाबा के दिलों में ख्वाहिश पैदा हुई कि इन नजरानियों के साथ उन्हें भेजा जाए ताकि ये इज्जत उनके हिस्से में आए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को खड़े होने का इरशाद फरमाया और इस तरह ये इज्जत उनके हिस्से में आई और वो अमीनुल उम्मत कहलाए। अरबी में अमीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो बहुत दयानतदार हो, उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत न करे, वादे के मुताबिक उसको लौटा दे। तो ये था उनके अमीनुल उम्मत बनने का वाकया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो अशरा मुबशरा में से हैं। इनका ताल्लुक कुरैश की एक शाख बनु फहर से था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की तरफ हिजरत फरमाने से 20 बरस पहले और एक रिवायत के मुताबिक 40 बरस पहले मक्का में पैदा हुए। उनका असल नाम आमिर था। अबू उबैदा उनकी कुनियत थी। औलाद की निस्बत से जो नाम मशहूर हो जाता है उसको कुनियत कहते हैं। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह और दादा का नाम अल जर्राह था, इसलिए उनका नाम ये बनता है, अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह। लेकिन वो मशहूर अबू उबैदा बिन जर्राह के नाम से हुए। उनका सिलसिला निस्बत ऊपर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। उनकी एक शान ये है कि ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। सबसे पहले ईमान लाने वालों को साबिकून अल अव्वलून कहते हैं। उस वक्त मुसलमान होने वालों को सख्त तकालीफ दी जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के कहने पर इस्लाम कबूल किया था। जिस दिन ये मुसलमान हुए उसी दिन इन हजरात ने भी इस्लाम कबूल किया था। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन, सैयदना अरकम बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो। इनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ भी अशरा मुबशरा में से है। फिर जब मुसलमानों को बहुत ज्यादा सताया जाने लगा, जुल्म के पहाड़ उन पर तोड़े जाने लगे, तपती रेत पर जब उनको लिटाया जाने लगा, जंजीरों से बांधकर जब उनको खींचा जाने लगा, फिर उन्हें भूखा प्यासा रखा जाने लगा, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को इजाजत दी कि मक्का छोड़कर हबशा चले जाएं। अल्लाह की खातिर इस तरह वतन और घर बार छोड़ने को हिजरत करना कहते हैं। हिजरत का हुक्म 5 नबवी में दिया गया और 11 मर्द और 4 औरतें हबशा चले गए। ये ठीक है, वो ईसाई था लेकिन बहुत नेक दिल था। उसने इन महाजिर मुसलमानों को अपने मुल्क में रहने की इजाजत दे दी और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कुरान मजीद की रूह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर थे। अल्लाह ने उन पर अपनी किताब इंजील नाजिल की थी, इसलिए उन पर ईमान लाने वाले भी मुसलमान ही थे। लेकिन फिर ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद दुनिया के फायदे की खातिर लोगों ने उनकी तालीम को बदल दिया। अपनी तरफ से इस तालीम में मतलब की बातें शामिल कर ली। इंजील मुकद्दस को कुछ से कुछ बना दिया।
ऐसा करने को तहरीफ करना कहते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। उनकी तालीम को बदल देने वालों ने एक अकीदा ये घड़ लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन कुछ ईसाई सही तालीम पे भी कायम रहे। हबशा का बादशाह नजाशी भी सच्चा ईसाई था। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानता था। ऐसा अकीदा रखना शिर्क है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार फरमाया है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क मुआफ नहीं किया जाएगा। इस काफले में 91 मुहाजिर थे, इनमें 73 मर्द और 18 औरतें थी। अपने दीन के लिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अबू उबैदा बिन जर्राह की एक शान ये है कि उन्होंने दो मर्तबा हिजरत की, यानी दूसरी मर्तबा 13 हिजरी को हबशा से मदीना की तरफ। उस वक्त हिजरत की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। इस तरह उनके हिस्से में हिजरत का दुगना सवाब आया। यही नहीं, उन्हें तो अल्लाह ताला ने बहुत सी दूसरी नेमतों से भी नवाजा। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो अशराए मुबशरा में शामिल हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हिल्फुल फुजूल में भी शामिल रहे होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मदीना तशरीफ लाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के माबैन जो मुआखात कायम की थी उसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी शामिल थे। मुआखात का मतलब है भाईचारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो मुसलमानों में भाईचारा कायम फरमाया था। इस तरह अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो को अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हो का दीनी भाई बनाया। ये भाईचारा इसलिए था कि मुसलमान एक दूसरे के मददगार और खैरखा बन जाएं। ये लोग फिर ऐसे खैरखा बने कि सगे भाई भी ऐसी खैरखाही कम ही करते हैं। अक्सर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अपना आधा माल अपने भाइयों को दे दिया। जिनके पास दो मकान थे उन्होंने एक एक मकान दे दिया। गरज हर चीज का निस्फ भाइयों की नजर कर दिया। ऐसी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है, लेकिन अफसोस आजकल मुसलमानों में भाईचारे के जज्बात कम ही नजर आते हैं। इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को भाई भाई करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है किया जाएगा। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी। अरबी में इसको हुब्बे रसूल कहते हैं और ये ईमान का हिस्सा है। सच्चा मुसलमान वही है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की हर चीज से ज्यादा हो, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए, तभी ईमान कामिल होता है। और ये मोहब्बत जुबानी न हो। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान अल्लाह के अहकामात पूरे तौर पर बजा लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में इंतहा कर दे। लेकिन आज मुसलमान अल्लाह के अहकामात पर तवज्जो ही नहीं देते। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु की एक शान ये भी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि आप भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी जिंदगी का एक वाकया ऐसा है कि वो ईमान और यकीन के बहुत ऊंचे दर्जे पर नजर आते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलव कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم یہ نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے قوت بخشی ہے. وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ اللہ کے طرفدار لوگ ہیں اور اللہ کے طرفدار ہی فلاح پانے والے ہیں. یہ اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف بیان فرمائی ہے. اب اس کی وضاحت میں واقعہ سن لیں. غزوہ بدر میں ایسا ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے والد عبداللہ بن جراح لڑائی کے دوران آمنے سامنے آ گئے. ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے لشکر میں تھے. وہ بہت بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے. کوئی عام آدمی ہوتا تو باپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا، لیکن سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ کمزوری نہ دکھائی. اپنے باپ کی اس وقت کی حالت کو ذہن میں رکھا، یہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. انہوں نے موقع پاتے ہی بے دھڑک باپ پر وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ انہیں اپنا دین اور ایمان اپنی جان اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. بات در اصل یہ ہے کہ وہ لشکر اللہ کے دشمنوں کا تھا، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے. ان حالات میں وہ باپ کو کیوں قتل نہ کرتے؟ اور پھر یہ لڑائی مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی. جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ آج پورا کفر پورے اسلام کے مقابلے میں آ گیا ہے، اگر تیرے یہ بندے مٹ گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا ان حالات میں ایک مسلمان کیسے کافر باپ کا لحاظ کر سکتا تھا؟ دراصل سب رشتوں میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. غیر قوم سے تعلق رکھنے والا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے، اور سگا بھائی کافر ہو تو اس کی حیثیت غیر جیسی ہو جاتی ہے. چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کے رشتے کو سامنے رکھا اور کافر باپ کو قتل کر دیا جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی. غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں مکے کے کافروں نے پھر حملہ کیا اور احد پہاڑ کے قریب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی. اس لڑائی کو غزوہ احد کہتے ہیں. اللہ کی مدد سے یہ لڑائی بھی پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے جیت لی. کافر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس موقع پر 50 تیر اندازوں سے چوک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر انہیں مقرر فرمایا تھا اور ہدایت فرمائی تھی کہ درے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس طرف سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا. جب کافر بھاگے تو ان تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے میدان کی طرف چلے گئے. درے کو خالی پا کر کافر پلٹے اور اس سے گزر کر مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اس لیے کہ وہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو چکے تھے. اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے.
एक पत्थर लगने से आपके सामने के दो दांत शहीद हो गए। खौद की कड़ियां आपके रुखसारे मुबारक में गड़ गईं। ये बहुत नाजुक वक्त था। मुसलमान पांव उखड़ने की वजह से बिखर गए, इधर उधर भाग पड़े। उधर काफिरों ने शोर मचा दिया कि हमने मुसलमानों के नबी का खात्मा कर दिया, नऊजु बिल्लाह। ऐसे नाजुक मौके पर अबू उबैदा बिन जर्राह और दूसरे जानिसार सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की खातिर सामने खड़े हो गए और जो तीर, नेजा, पत्थर, जो कुछ भी आया उन्होंने अपने जिस्मों पर उसको लेना शुरू किया। तीर आते नजर आते तो वो अपने हाथ आगे कर देते, अपना सीना तान देते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई हथियार न पहुंचने देते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे में पाकर मैं आपकी तरफ भागा तो अबू उबैदा बिन जर्राह मुझसे पहले पहुंच चुके थे। ये हारी हुई जंग भी मुसलमानों ने फिर जीत ली थी। दूसरी बार फतह अल्लाह की मेहरबानी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल जुरत और सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जानसारी की वजह से हुई। आपकी हिफाजत करते हुए 10 सहाबा शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जख्मी होने के बावजूद एक चट्टान तक तशरीफ ले गए। ये काम इसलिए ज्यादा मुश्किल था कि चारों तरफ से तीर बरस रहे थे। मुसलमानों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखा तो पलट पड़े और काफिरों पर इस कदर शदीद हमला किया कि उन्हें मैदान जंग से भगा दिया। सैयदिना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत इस तरह पेश किया कि वो तारीख का एक खास वाकया बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में खोद की कड़ियां इस तरह गड़ गई थीं कि उनको निकालने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। इस मौके पर वो जल्दी से आगे बढ़े और खोद की कड़ी को अपने दांतों से पकड़कर खींचा। कड़ी तो निकल आई लेकिन इस कोशिश में खुद उनका एक दांत टूट गया, जबकि अभी दूसरी कड़ी रुखसारे मुबारक में गड़ी थी। दांत टूटने की वजह से खुद अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो तकलीफ में मुब्तला हो गए। मजीद दांत टूट जाने का खतरा भी था लेकिन उन्होंने परवाह न की। दांतों से पकड़कर दूसरी कड़ी को भी खींचा और ऐसा करते हुए उनका एक दांत और टूट गया। हाँ, इन लोगों के ऐसे ही हैरत अंगेज कारनामों की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ये मर्तबा दिया कि रहती दुनिया तक उनके नाम जिंदा रहेंगे, ये दुनिया उनकी तारीफ करती रहेगी। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह इन हजरात की तारीफ की है। बहरहाल मैं बता रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत खुश थे। कोई खास काम होता तो उनके सुपुर्द फरमाते, वो हर काम को बहुत खुश उसलूबी से अंजाम देते। मिसाल के तौर पर कबीले सालबा के लोग दूसरे कबीलों को साथ मिलाकर मदीने के आसपास की बस्तियों में लूट मार किया करते थे। उनकी शिकायत मौसूल होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में सैयदिना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो को उन्हें सजा देने के लिए भेजा। उन्होंने आसानी से उनका खात्मा कर दिया। इसी तरह 7 हिजरी का वाकया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात लाई गई कि कबीला कुजाअ मदीने पर हमले की तैयारी कर रहा है। आपने उस कबीले को सजा देने के लिए अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हो को सालार बनाकर भेजा। वो रवाना हो गए। फिर हालात देखकर मदद के लिए और मुजाहिद भेजने की दरखास्त की। आपने सैयदिना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो की सरदारी में दूसरा लश्कर रवाना फरमाया। 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक लश्कर का सरदार बनाकर साहिल समुन्दर की तरफ ये मालूम करने के लिए भेजा कि कुरैश मक्का जंग की तैयारी तो नहीं कर रहे। इसी साल मक्का फतह हुआ तो इस मार्के में भी अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो एक दस्ते के सालार थे। एक और वाकये से भी उनकी शान जाहिर होती है कि जब मुआहिदा सुलह हुदैबिया लिखा गया तो उनसे बतौर गवाह दस्तखत कराए गए। गरज कितने ऐसे वाकयात हैं जिनसे यह साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत कद्र किया करते थे।
और भाई बात यह है कि नेकी के रास्ते में चलने वालों को अल्लाह ताला एक खास इनाम देता है, उनके इल्म और अक्ल की रोशनी ज्यादा कर देता है। जो बात आम लोग मुश्किल से समझते हैं या बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, ये लोग उस बात को निहायत आसानी से समझ लेते हैं। उनमें बिल्कुल ठीक फैसला करने की कुव्वत पैदा हो जाती है। इस तरह उनके कामों में खूब बरकत होती है और वो तरक्की करते चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को शुजात, अमानत और दयानत के साथ साथ दानाई का नूर भी बहुत दिया था। मुश्किल तरीन मसले को आसानी से सुलझा लेते थे। उनमें ये काबिलियत उस वक्त और भी निखर कर सामने आई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमानों में ये इख्तिलाफ पैदा हुआ कि आपका खलीफा यानी जानशीन कौन बनेगा। पहले इस बारे में बहुत इख्तिलाफ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया जाए। अंसारे मदीना ने यह चाहा कि ये इज्जत उन्हें मिले, खलीफा उनमें से लिया जाए। अंसारे मदीना वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके पर मेजबानी की थी, हर तरह साथ दिया था, हर किस्म की कुर्बानी दी थी। लेकिन इस तरह ग्रोही बादशाहत कायम होती। बिल्कुल सही तरीका यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा उस शख्स को चुना जाए जो नेकी और दानाई में खास मकाम रखता हो, और यही बात सबसे अच्छी थी। जिस वक्त खलीफा के मामले पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी और ये खतरा पैदा हो चला था कि कहीं मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा ना हो जाए, अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ये ख्याल डाला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बनने का हक अगर किसी को है तो उसे है जो तकवा और दानाई में सबसे बढ़ा हुआ है। चुनाचे आप आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों, मेरे नजदीक तो दो आदमी ऐसे हैं जिनमें से एक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बनाया जा सकता है, एक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो और दूसरे अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो। लेकिन फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो का हाथ पकड़कर उनके हाथ पर बैत इमारत कर ली, और दूसरे लोगों ने भी हजरत उमर के इस इंतखाब की ताईद की, क्योंकि ईमान और तकवा में हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा मुमताज थे। और ये फैसला वाकई बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत का मनसब संभालते ही ऐसी दानाई और दलेरी से मुल्क का इंतजाम किया कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद दुश्मनों ने यह ख्याल कर लिया था कि बस अब दीन इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। कुछ बदबख्तों ने तो नबुव्वत का दावा तक कर दिया था, कुछ ने दीन इस्लाम के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था, एक तबके ने जकात देने से इनकार कर दिया था। हालात ऐसे थे कि सब ऊंचे दर्जे के सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने उन्हें मशवरा दिया था कि अभी इन बागियों और शरीरों को कुछ न कहा जाए, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद किया और उन सबको पूरी पूरी सजा दी। एक और बड़ा और अहम काम उन्होंने ये किया कि ईरान और रोम की फौजों से जिहाद करने के लिए मुजाहिदीन के लश्कर रवाना किए और शानदार फतूहात हासिल की। ये दोनों मुल्क मदीने पर हमला करके इस्लामी सल्तनत को पारा पारा करने की तैयारियां कर रहे थे। इस जिहाद में सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने सिपाह सालार की हैसियत से शानदार कारनामे अंजाम दिए। इसकी तफसील यूं है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 13 हिजरी में लश्कर रवाना किए, सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को इराक की तरफ रवाना किया, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को हिम्स की तरफ और सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को फलस्तीन भेजा, शुराबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु को उर्दन जाने का हुक्म दिया और सैयदना यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु को दिमश्क की तरफ भेजा। ये लश्कर इसलिए भेजे गए कि रोमी और ईरानी सल्तनतें मुसलमानों पर हमलावर होने की तैयारियां कर रही थी। इस्लाम
से लड़ने की इजाजत नहीं देता कि अपनी ताकत बढ़ाई जाए। उसने जमीन पर फसाद फैलाने को कत्ल से बड़ा फितना करार दिया है, लेकिन साथ ही अपनी हिफाजत को जरूरी बताया है। इसी सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक गए थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने भी आपकी इसी सुन्नत पर अमल किया कि उनके हमलावर होने का इंतजार करने के बजाय आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया जाए। सैयदिना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो उनके साथ कोई बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन उनका दिल इस यकीन से लबरेज था कि दुश्मन कितना भी ताकतवर हो हमारे सामने नहीं ठहर सकेगा। इस यकीन की असल वजह अल्लाह की इमदाद पर पूरा पूरा भरोसा था। गजवाए बद्र, गजवाए उहद, गजवाए अहजाब और गजवाए खैबर में उन्होंने इस गैबी इमदाद को अपनी आंखों से देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़ी जाने वाली इन सब जंगों में मुसलमानों की तादाद काफिरों के मुकाबले में बिल्कुल कम थी, लेकिन फतह मुसलमानों ही को हासिल हुई। दूसरी तरफ रूमी भी जंग की जबरदस्त तैयारियां कर रहे थे। वो लड़ाई में कुछ कम माहिर नहीं थे। उनको हर तरह की इमदाद पहुंचाने के लिए उनकी पुश्त पर एक बड़ी सल्तनत थी। बहरहाल अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो के रास्ते में सबसे पहले बुसरा का शहर आया। उन्होंने इस शहर को नहायत आसानी से फतह कर लिया। रूमियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके मुकाबला किया था। बुसरा के बाद उन्होंने माप भी बहुत आसानी से फतह कर लिया। ये इब्तदाई फतूहात सैयदिना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो ने अल्लाह की मदद और ईमानी जज्बे ही से हासिल की। इन दो मकामात की फतह के बाद आप जाबिया पहुंचकर रुक गए ताकि अंदाजा लगा सकें कि रूमी अब क्या करने वाले हैं। उधर दो जंगे हारने के बाद रूमी होशियार हो गए थे। पहले वो इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि मुसलमान हमारे मुकाबले में हैं ही क्या, लेकिन अब उन्हें अंदाजा हुआ कि उनका मुकाबला मामूली इंसानों से नहीं है। चुनाचे उन्होंने एक जगह जमा होकर भरपूर मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हों ने भी हालात का अंदाजा लगाकर दरबारे खिलाफत को रूमियों की तैयारियों और इरादों की खबर दी और मदद मांगी। सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने फौरन फौजी मदद रवाना फरमाई और जो दूसरे सालार रवाना फरमा चुके थे उन्हें भी पैगाम भेजा कि अबू उबैदा के पास पहुंच जाएं। ऐसा ही हुक्म आपने खालिद बिन वलीद को भी भेजा, यानी वो भी इराक से शाम पहुंच जाएं। तो सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों को भी इस गैबी ताईद इलाही से जंग के महाज पर पेश आने वाली मुश्किलात का अंदाजा हो गया था। चुनाचे उन्होंने तमाम सिपा सालारों को हुक्म दिया कि अबू उबैदा की मदद के लिए पहुंच जाएं। जब सब लश्कर उनके पास पहुंच गए तो सिपा सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हों को बुला लिया गया, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा बहादुर थे और जंगी तकबीरें इख्तियार करने में अल्लाह ने उन्हें खास काबिलियत अता की थी। इस मौके पर उन्हीं को सालार आला बनाना मुनासिब था। गजवाए मूता में कामयाबी हासिल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लकब से नवाजा था। जंग जीतने की खास सलाहियतें अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी। सालार आला बनकर उन्होंने अपनी काबिलियत और बहादुरी का पूरा सबूत दिया। रूमी बादशाह ने अपनी फौज के सालारों के मशवरे से जंग का ऐसा नक्शा बनाया था कि लाजमी तौर पर फतह हासिल हो और मुसलमानों का इस तरह खात्मा हो जाए कि वो फिर मुकाबले में आने के काबिल न रहे। उसने हुक्म दिया था कि मुसलमानों को इकट्ठा न होने दिया जाए और रूमी फौज यरमूक के मैदान में जमा होकर मुसलमानों पर भरपूर हमले की तैयारी करे। यरमूक की लड़ाई तारीख की बहुत बड़ी जंग गिनी जाती है। इसमें रूमियों की तादाद 2.5 लाख थी जबकि मुसलमान फौज सिर्फ 40,000 थी। जंग के साजो सामान में भी रूमी बहुत बढ़े हुए थे। उनकी फौजी तरबियत भी जबरदस्त अंदाज में हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ भी आखिर सैफुल्लाह थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हों ने भी अल्लाह की मदद से ऐसी जंगी तदबीरें इख्तियार की और मुसलमान मुजाहिद ऐसी बहादुरी से लड़े कि बहुत तादाद और भारी हथियार कुछ भी काम ना आए। रूमी बदहवास होकर भागे, उनकी बहुत बड़ी तादाद मारी गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फतह से नवाजा।
एक रिवायत के मुताबिक जंगे यरमूक में कई सौ ऐसे सहाबा शहीद हुए जिन्होंने गजवाए बद्र और गजवाए उहद में शिरकत की थी। अल्लाह के इन खास बंदों की जिंदगियों का तो सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। बल्कि गालिब ने क्या खूब कहा है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये उन बुजुर्गों की कुर्बानियों ही का नतीजा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। यूरोप और अमेरिका के शहरों में अजान की आवाजें गूंज रही हैं। शाम में लड़ी जाने वाली और लड़ाइयों का हाल सुनाने से पहले ये बताता चलूं कि 22 जमादुस्सानिया 13 हिजरी को सैयदिना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और उनकी जगह सैयदिना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बनाए गए। उन्होंने खिलाफत का मनसब संभालने के कुछ दिन बाद ही सैयदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को उनके ओहदे से हटाकर सैयदिना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को इस्लामी अफवाज का सालार आला बना दिया। इस सिलसिले में दो रिवायात हैं। एक तो ये कि किसी शायर ने सैयदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का कसीदा लिखा। किसी की तारीफ में अशार लिखे जाए तो उसको कसीदा कहते हैं। यहां तक तो एतराज की कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये किया कि खुश होकर शायर को इनाम दिया। बस इस बात को उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अच्छा न समझा और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया। दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि सैयदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और जंगी सूझबूझ की वजह से लोग ये ख्याल करने लगे थे कि मुसलमानों को जो फतूहात पर फतूहात हो रही है वो उन्हीं की वजह से हो रही है, जबकि सही अकीदा ये है कि जो कामयाबी भी हासिल होती है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल होती है। सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें ओहदे से हटाकर साबित कर दिया कि लोगों का ख्याल गलत है। इस दूसरी वजह की ज्यादा ताईद आई है, यानी वो शायर वाली बात शायद दुरुस्त ना हो, ये बात वाकई थी। खुद उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब बाज अस्हाब ने इस बारे में पूछा कि आपने खालिद को सिपासालारी से क्यों माजूल किया तो उन्होंने फरमाया था, मैंने किसी नाराजी की वजह से ऐसा नहीं किया। और फिर उन्होंने दूसरी वजह ही बयान की। चुनाचे जो ही उन्हें खलीफा का हुक्म मिला, उन्होंने फौरन अपना ओहदा अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया और खुद एक आम मुजाहिद की तरह जिहाद में हिस्सा लेते रहे। लुत्फ की बात तो ये है कि ये हुक्म उन्हें उस वक्त मिला जब वो तारीखी शहर दिमश्क का मुहासरा किए हुए थे। एक रिवायत ये भी है कि ये हुक्म जंग यरमूक के मौके पर दिया गया। यरमूक की जंग जीतने के बाद मुसलमान मुजाहिदों ने जिस तरह अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाया, इससे उनकी अजमत और दानाई साबित होती है। रोम का बादशाह हिरकल एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। सिर्फ एक जंग हार जाने से उसकी ताकत खत्म नहीं हो गई थी, एक जंग हार कर उसका पारा और चढ़ गया था और उसने मुसलमानों को शिकस्त देने की ठान ली थी। चुनाचे वो शाम के बड़े शहर हिंस पहुंच गया और मुसलमानों पर भरपूर हमले की तैयारियां करने लगा। ऐसी सूरत में जरूरी था कि मुसलमान भी अपनी पूरी कुव्वत उसकी फौज का मुकाबला करने के लिए जमा करते, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया। अपनी फौज को तीन हिस्सों करके तीन अलग अलग महाजों पर जिहाद जारी रखने का फैसला किया। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर के दूसरे सालारों के साथ मशवरा करके एक लश्कर बैतुल मकदिस की तरफ रवाना किया, दूसरा हिम्स की तरफ और तीसरा दिमश्क की तरफ। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु दिमश्क की तरफ रवाना हुए। हम जैसे आम लोग ऐसा हरगिज न करते, लेकिन वो लोग तो अल्लाह वाले थे। उन्हें फौजी ताकत से ज्यादा अल्लाह की जात पर भरोसा था और दुनिया ने देखा उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। गाजियों के छोटे छोटे लश्करों ने गिनती के चंद ही दिनों में शाम और फलस्तीन का पूरा इलाका फतह कर लिया और ये काम अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की सिपह सालारी में हुआ। पहले दिमश्क का हाल सुनाता हूँ। पहले बता चुका हूँ कि दिमश्क की तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और सैयदिना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु दोनों रवाना हुए थे। ये शहर रूमियों का गढ़ था। यहाँ उन्होंने काफी फौजी ताकत जमा कर रखी थी,
लेकिन जब इस्लामी लश्कर वहां पहुंचा तो रूमियों को मैदान में निकलकर मुकाबला करने की जुर्रत ही न हुई। उन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और फसील पर तीरंदाजों के दस्ते इस तरह बिठा दिए कि कोई शहर की तरफ बढ़े तो तीरों की बूछार करके उसे रोक दें, उसका खात्मा कर दें। मुजाहिदीन ने शहर का मुहासरा कर दिया और शहर के अंदर दाखिल होकर दुश्मनों को कारी जरब लगाने की तदबीरें करने लगे। आखिर सैयदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो अपने दस्ते समेत फसील पार करके शहर में दाखिल हो गए। उधर उसके साथ दूसरी तरफ रूमियों के सिपाह सालार ने सुलह की बातचीत शुरू कर दी। दोनों सालारों ने इस शर्त पर सुलह कर ली कि रूमी शहर का दरवाजा खोल देंगे और मुसलमान शहरियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी जानें, इज्जत, आबरू, माल महफूज रहेंगे। अब ये अजीब सूरत हाल पैदा हुई कि एक तरफ खालिद रजी अल्लाह अन्हो लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ अबू उबैदा बिन जर्राह सुलह का झंडा उठाए आगे बढ़ रहे थे। दोनों की मुलाकात शहर के दरमियान में हुई। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को मालूम हुआ कि अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो शहरियों को अमान दे चुके हैं तो उन्होंने जंग से हाथ रोक लिए और कोई बड़ा नुकसान हुए बगैर दिमश्क पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, हक आया, बातिल मिट गया और बातिल तो है ही मिटने के लिए। अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुताबिक उन लोगों को हमेशा कामयाबी हासिल होती है जो हक पर हों, और ये मुजाहिद चूंकि हक पर थे इसलिए तादाद में कम होने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें शानदार कामयाबी अता की, बल्कि इसके बाद भी वो कामयाबियां हासिल करते चले गए। दिमश्क फतह करने के बाद मुखल, बीसान, हिम्स और लाजकिया जैसे कई और शहर उन्होंने निहायत आसानी से फतह कर लिए। रूमी जहां भी मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा होते मुजाहिदीन के लश्कर वहीं पहुंच जाते और उनका गुरूर खाक में मिला देते। इन लड़ाइयों में लाजकिया की लड़ाई इस लिहाज से खास है कि उसमें अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की आला दर्जे की जंगी काबिलियत और जहानत से फतह हासिल हुई। कैसर रोम के हुक्म से इस शहर में रूमियों ने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी थी। सैयदिना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को उनके इज्तिमा की खबर मिली तो आप लश्कर लेकर तेजी से वहां पहुंच गए और रूमियों ने इस तरह शहर के दरवाजे बंद कर लिए जिस तरह दिमश्क के बंद किए थे। मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया, लेकिन आसपास का इलाका ऐसा था कि इस शहर का मुहासरा ज्यादा दिन जारी नहीं रखा जा सकता था। इन सब बातों पर गौर करते हुए अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि वो शहर से काफी दूर जाकर खंदकें खोद लें और ये काम ऐसी एहतियात से करें कि रूमियों को इसका पता न चले। ये हुक्म पूरा किया गया। जब काम मुकम्मल हो गया तो दूसरा हुक्म ये दिया कि मुजाहिद बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर लश्कर से निकले इस तरह के रूमी उन्हें जाते हुए देखें। लश्करों से निकलकर मुजाहिदीन की ये टोलियां खंदकों में छुप जाएं और जब नारे तकबीर बुलंद हो तो बहुत तेजी से निकलकर शहर पर हमला कर दें। चुनाचे इस हुक्म पर भी अमल किया गया। मुसलमान बड़ी बड़ी टोलियों में जाने लगे। रूमियों ने ख्याल किया वो मुहासरा उठाकर जा रहे थे। जब उन्हें अपने तौर पर यह अंदाजा हो गया कि मुसलमानों का पूरा लश्कर मुहासरा उठाकर चला गया है तो शहर के दरवाजे खोल दिए। शहर के दरवाजे खुलते ही नारे तकबीर बुलंद हुआ। मुजाहिदीन खंदकों से निकले और तेजी से दौड़ते हुए आकर शहर में दाखिल हो गए। शहर पर निहायत आसानी से कब्जा हो गया। रूमियों को पता ही न चला कि ये क्या हो गया है। इन मुजाहिदीन ने अल्लाह के रास्ते में लड़ने के अलावा अखलाक, ईमानदारी और शराफत के भी ऐसे शानदार नमूने पेश किए कि पूरे इलाके में उनकी धूम मच गई। मसलन एक वाकया सुन लें। जब दरबारे खिलाफत से हुक्म मिला कि सब मुजाहिद एक जगह जमा हो जाएं, आपस में मशवरा करके किसी को सालार चुन लें और एक लश्कर बनकर रूमियों का मुकाबला करें, तो सैयदिना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त तक कई शहर फतह कर चुके थे। इन शहरों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जिजिया देना मंजूर किया था और लड़ाई के बगैर मुसलमानों को फातेह मान लिया था। जिजिया एक टैक्स है जो इस्लामी सल्तनत में रहने वाले गैर मुस्लिमों से इस शर्त के साथ वसूल किया जाता है कि मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे।
इन लोगों ने जिज़िया भी अदा कर दिया था। खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म मिलने के बाद मुसलमानों को ये इलाके छोड़ने पड़े तो इन शहरों के बाशिंदों को जिज़िया की सारी रकम लौटा दी और उनसे कहा, चूँकि अब हम तुम्हारी हिफाजत की शर्त पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ये रकमें अपने पास रखने का भी हमें कोई हक नहीं है। हमारे इन बुजुर्गों की तो तमाम जिंदगियां ही ऐसी हैं कि उनकी मिसाल ही नहीं मिलती। वो सही मानों में अल्लाह पर ईमान रखते थे और उसके अहकामात पर अमल करते थे, अपनों परायों सबसे अच्छा सलूक करते थे, लोगों की गलतियां माफ कर दिया करते थे, जमीन पर आजिजी से चलते थे, किसी से कोई वादा करते तो उसको पूरा करते, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, ना किसी को उसका शरीक ठहराते थे, ना उसके सिवा किसी को हाजत रवा समझते थे, वहम और तारीख ख्याली से दूर थे। वो हमेशा जिंदगी का रोशन पहलू देखते थे और ये रोशनी दूसरों तक पहुंचाते थे। वो कुशादा दिल और बुलंद हौसला थे, उनकी बहादुरी और दानाई उनके अच्छे आमाल ही का इनाम थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मुसलमानों को खलीफा की तरफ से ये हुक्म मिला कि वो सब मुजाहिद एक जगह जमा हो जाएं, तो उन्होंने इन शहरों का जिजिया वापस कर दिया, क्योंकि वहां से रुखसत हो जाने की वजह से वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे। उधर रूम के बादशाह हिरक्ल को पक्का यकीन था कि वो बहुत आसानी से इन चंद हजार मुजाहिदीन का खात्मा कर देगा जो शाम और फलस्तीन में दाखिल हुए हैं, और फिर इतनी ही आसानी से मदीने की इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर देगा। लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ, उसे तो लेने के देने पड़ गए। उसने संभल संभल कर कई बार मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी पांव न जमा सका, हर महाज पर उसे मुंह की खाना पड़ी। आखिरकार वो उस इलाके को जो सल्तनत रोमा का मशरकी हिस्सा कहलाता था हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कुस्तुनतीनिया की तरफ फरार हो गया। कुस्तुनतीनिया उसकी सल्तनत के मगरबी हिस्से का दारुल हुकूमत था। हिरक्ल के फरार के बाद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने मुकद्दस शहर बैतुल मक़दिस फतह करने का इरादा किया। उस वक्त तक वो शाम के करीबन तमाम बड़े छोटे शहरों पर कब्जा कर चुके थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और लश्कर के दूसरे सालारों से मशवरा करके उन्होंने पहले अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को बैतुल मक़दिस भेजा और फिर खुद भी वहां पहुंच गए। इस शहर की हिफाजत करने वाली रूमियों की फौज मुसलमानों की मुसलसल फतूहात की खबरें सुन सुनकर पहले ही हिम्मत हार चुकी थी। चुनाचे जैसे ही अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे, शहर के मजहबी पेशवाओं यानी रहनुमाओं ने पैगाम भेजा। वो पैगाम ये था, अगर मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु खुद बैतुल मक़दस आए तो हम लड़े बगैर शहर की कुंजियां उनके हवाले कर देंगे। ये सुनकर अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा एक भी मुजाहिद न मारा जाए और भी कोई नुकसान न हो और शहर पर हमारा कब्जा भी हो जाए। फिर उन्होंने रूमियों का ये पैगाम उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भेज दिया। उमर रजी अल्लाह अन्हु को यह पैगाम मिला तो वो बैतुल मक़दिस जाने के लिए तैयार हो गए। आप बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए और इस तरह रवाना हुए कि अपने साथ सिर्फ अपने गुलाम को लेकर चले। आजकल के बादशाह कहीं जाते हैं तो अनगिनत हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं, हिफाजती दस्ता साथ जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने एक गुलाम को लेकर चल पड़े। और इससे भी बढ़कर मजे की बात यह है कि उनके पास ऊंट भी एक ही था, दो ऊंट भी नहीं थे, लिहाजा वो बारी बारी ऊंट पर सवारी कर रहे थे। पहले उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर सवारी की तो फिर गुलाम ने सवारी की, गुलाम की बारी खत्म हुई तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के ऊंट पर बैठने की बारी आई। इस तरह बारी बारी ऊंट की सवारी करते आखिर वो बैतुल मक़दिस के नजदीक पहुंच गए। पुर लुत्फ बात यह है कि जब बैतुल मक़दिस नजदीक आया तो उस वक्त ऊंट पर सवारी करने की बारी गुलाम की थी और मुसलमानों के खलीफा ऊंट की महार पकड़े पैदल चले आ रहे थे। शहर का दरवाजा करीब आने पर गुलाम ने कहा भी, दरवाजा नजदीक आ चुका है, अब ऊंट पर आप सवार हो जाएं। इस पर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सुने, बारी आपकी है, लिहाजा ऊंट पर आप ही बैठे रहें। गुलाम ने कहा,
वो लोग क्या सोचेंगे? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई परवाह नहीं, हमें जो कुछ भी इज्जत मिली है इस्लाम की बदौलत मिली है, ना कि सवारी या लिबास से। और फिर इसी हालत में मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु शहर के दरवाजे पर पहुंचे। वहां ईसाई और मुसलमानों की फौज के सिपाह सालार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सालार मौजूद थे। चश्मे फलक ने यह नजारा देखा, आका ऊंट की महार पकड़े चले आ रहे हैं और गुलाम ऊंट पर सवार है। और ये नजारा देखते ही बैतुल मक़दिस के मजहबी पेशवाओं ने शहर की चाबियां उनके हवाले कर दी। सुना है उनकी किताबों में यही लिखा हुआ था कि जब मुसलमानों का खलीफा बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर पहुंचेगा तो ऊंट की महार उसके हाथ में होगी और गुलाम ऊंट पर बैठा होगा। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर जो लिबास था उसमें पैवंद लगे हुए थे। दरवाजा नजदीक आने पर गुलाम ने यह भी कहा था कि आप लिबास तब्दील कर लें, आपने यह भी पसंद नहीं फरमाया था। इस तरह बैतुल मक़दिस खून का एक कतरा बहाए बगैर फतह हो गया, मुसलमानों का उस पर कब्जा हो गया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को इस पूरे इलाके का वाली यानी गवर्नर मुकरर फरमाया और खुद मदीने लौट गए। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु करीबन एक बरस तक उस इलाके के हुक्मरान रहे, फिर 18 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात ताऊन की बीमारी से हुई। आप उस वक्त अमूस के मकाम पर थे, वहां ये वबाई मरज फैल गया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें वहां से कहीं और मुंतकिल होने का मशवरा दिया, लेकिन आप वहीं रहे और फरमाया, मौत वक्त से पहले नहीं आ सकती। हाँ, उनके दो बेटे थे, एक का नाम यजीद और दूसरे का उमैर था। ये दोनों लावलद फौत हुए और यूं अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल आगे नहीं चली। लेकिन असल चीज तो उनके अच्छे आमाल थे जिनका सवाब कयामत तक उन्हें मिलता रहेगा। और ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इंसान का असल काम नेकी के रास्ते पर चलना और बुराइयों से बचना है। ऐसा करने वाले दीन और दुनिया की नेमतें खूब हासिल करते हैं, उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। सैयदना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो और हमारे दूसरे बुजुर्गों को इसी रास्ते पर चलकर शानदार कामयाबियां हासिल हुई। वो अजीम जर्नैल और अजीम फातेह बने और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें दुनिया में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की अजीम तरीन खुशखबरी सुनाई।